अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर ख़ान। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब लाइव। बख़ैर अगले आज हम इंशाल्लाह मुल्तान से जाएंगे अपने शहर जोब की तरफ, जोब बलूचिस्तान, और जाएंगे एक खूबसूरत रोड से। बहुत कुछ इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे। अब लोग यहाँ से जाएंगे मुजफ्फरगढ़, मुजफ्फरगढ़ से फिर डीजी खान, डीजी खान से फिर पोर्ट मिनरो, जो कि पोर्ट मिनरो अब तक मैं पहले नहीं गया हूँ, पहली बार विज़िट है। इंशाल्लाह आप लोगों को भी दिखाएंगे। कहते हैं कि बहुत खूबसूरत बनाया है, वीडियो और तस्वीरों में तो बहुत देखा है, खूबसूरत है। आज जाके अपने आंखों से देखेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहे। तकरीबन घंटे का सफ़र किया होगा मुजफ्फरगढ़ के उस तरफ जा रहे हैं, डीजी खान की तरफ। सफ़र बग़ैर मुश्किलात के जारी है। ये मुल्तान से डीजी खान वाला रोड बहुत ही ख़ूबसूरत और अच्छा बनाया है, किसी किस्म का कोई भी गड्ढे वगैरह यहाँ पे आप लोगों को नहीं मिलेंगे। 4 लाइन रोड है, बहुत ही अच्छा रोड बनाया है। डीजी खान पहुंच गए, एक खूबसूरत चौरा जिसे हम लोग आम जबान में गोल चक्कर भी कहते हैं। यहाँ से ऑफिशियली डी खान शुरू होता है। अभी जाएंगे सखी सरवर की तरफ। ये
ये पोर्ट मिनरो के पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गए। बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और काफ़ी ख़तरनाक भी है। सखी सरवर के पास रोड 4 माइल वाला तो ख़त्म हुआ, मगर गुजारे वाला रोड है, फिर भी अच्छा रोड है। ये पहाड़ ज़्यादा सरसब्ज तो नहीं, मगर फिर भी बहुत ही सरसब्ज है, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने सोचा ही नहीं था कि पंजाब में इस तरह बड़े बड़े पहाड़ होंगे। बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। यहाँ से स्टील वाले फूल शुरू होते हैं और सबसे खूबसूरत भी यहाँ ऐसे लगते हैं। सोचो पहले क्या होगा जब ये नहीं बने थे, तो ये बड़े बड़े ट्रक किस तरह गुजरते थे। यहाँ पे कुछ तस्वीरें वगैरह लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये नज़ारे पोर्ट मिनरो के, आज ये पहले चक्कर पे पहली दफ़ा यहाँ पे आए। बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है यहाँ से। बहुत ही इमारत के साथ पाकिस्तान ने जापान के साथ मिलकर बनाया है। हर तरफ से खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। शानदार है, माशाल्लाह माशाल्लाह कहेंगे। ये जो साइडों पर नाम वगैरह लिखे, ये बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। इतनी खूबसूरत ब्रिज का सत्यान्यास किया हुआ इन लोगों ने, क्या ज़रूरत है अभी हर जगह अपना नाम लिखने का।
برائے مہربانی آپ لوگوں سے التماس ہے کہ یہ نہ لکھے. فورٹ منرو کے بعد راڑا شم آتا ہے. راڑا شم سے کے بعد بارہ کان رکھنے آتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ کچھ روڈ 5 منٹ 10 منٹ کے لیے خراب ہے, باقی روڈ تقریباً سارا صحیح روڈ ہے. لورلائی کلاس پلا تک صحیح روڈ ہے. ہم روب کی طرف بارہ کان سے بھی جا سکتے, بارہ کان مسخیل کی طرف سے بھی جا سکتے جوب کی طرف, مگر وہ راستہ بہت خراب ہے. ہم جائیں گے لورلائی کلاس والا, پھر واپسی پہ جوب پہ آئیں گے, کیونکہ وہ روڈ بہت ہی اچھا روڈ ہے. ہم لوگ تقریباً لورلائی کی حدود میں آ چکے. یہ لورلائی کا راستہ ہے, یہاں سے ہم لوگ کلاس پلا جائیں گے, پھر روب جائیں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اگر ہماری یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ دیکھنے کا.